कोरिलेशन की वीडियो की श्रृंखला में हम ले रहे हैं यहाँ पे पहला टॉपिक कॉल पियर्सन्स मेज़र, यानी कॉल पियर्सन्स के अनुसार जब निकालेंगे कोएफिशिएंट कोरिलेशन निकालते हैं तो उसमें कौन कौन से फॉर्मूले होंगे, कौन कौन से मेथड होंगे। उसमें पहला हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं इस वीडियो में इंडिविजुअल सीरीज़ डायरेक्ट मेथड, यानी हम सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ के ही देखेंगे, उसमें भी हम देखेंगे यहाँ पे केवल डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से हमें सॉल्व करना है तो उसके फॉर्मूले काफ़ी सारे दे रखे हैं अलग अलग सिचुएशन में। तो जैसे पहला फॉर्मूला जो है हमारा वो हम ले सकते हैं यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स इनटू वेरियंस ऑफ वाई। वेरियंस ऑफ एक्स मतलब स्टैंडर्डेशन एक्स का स्क्वायर और स्टैंडर्डेशन वाई का स्क्वायर। तो हमारा पहला फॉर्मूला ये बन सकता है कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्डेशन एक्स का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्डेशन वाई का स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं वेरियंस। इसका अंडर रूट निकाल देंगे तो हमारा निकल जाएगा कॉल पियर्सन के मेथड से कोरिलेशन। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमारा फॉर्मूला बन सकता है सिग्मा डी एक्स डी वाई। यहाँ पे डी एक्स का मतलब है कि हमने एक्स में से एक्स बार और वाई में से वाई बार को घटा के सॉल्व किया हुआ है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है पूरी स्टेटिस्टिक्स में, डायरेक्ट मेथड तभी कहलाता है जब आपने डेविएशन अर्थमेटिक मीन से लिया हो, यानी एक्स बार से आपने अर्थमेटिक मीन से डेविएशंस लिए हैं तो विधि कहलाएगी डायरेक्ट मेथड। यदि आपने अज्यूम मीन से डेविएशंस लिए हैं तो विधि कहलाएगी आपकी शॉर्टकट मेथड, चाहे आपने टर्म्स कुछ भी काम में लियो। तो यहाँ पर यह सिग्मा डी एक्स डी वाई का मतलब है कि आपने इसमें एक्स में से एक्स बार को घटाया हुआ है, यानी अर्थमेटिक मीन को घटाया हुआ है। सेम ऐसे ही आपने वाई में से वाई बार को घटाया हुआ है तो हमारा डी एक्स डी वाई निकला है। डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ आइटम्स इंटू स्टैंडर्डेशन एक्स इंटू स्टैंडर्डेशन वाई। क्वेश्चन में जैसी सूचना दे रखी हुई थी, क्वेश्चन में सूचना हमें कोवेरियंस और वेरियंस की है तो हम कोवेरियंस वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। यदि सूचना हमारी सिग्मा डी एक्स डी वाई की और स्टैंडर्डेशन की है तो हम सेकंड फॉर्मूला काम में लेंगे, हमारे ज़्यादा ईजी रहेगा। यहाँ पे यह ध्यान रखना है कोवेरियंस का मतलब होता है सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एन। तो यदि सूचना हो तो हमको इस वाले फॉर्मूले को काम में लेना है। पर यदि क्वेश्चन में आपको ऐसी सूचना ना देके आपको सिंपल वेरिएबल्स दे रखे हैं, सिंपल वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं, यानी पूरे एक्स और वाई की आपको सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो फिर आपके लिए ईजी रहता है फॉर्मूला ये काम में लेना। सिग्मा डी एक्स डी वाई सेम वही चीज़ है, डायरेक्ट मेथड है, मतलब आपने डी एक्स एक्स में से एक्स बार घटाया हुआ है, वाई में से वाई बार घटाया हुआ है। तो फॉर्मूला हमारा ईजी रहेगा सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई। यदि वेरिएबल्स दे रखे हैं तो हमारे लिए ये वाला फॉर्मूला ईजी रहेगा। और यदि हमको वैल्यूज़ दे रखी हैं अलग अलग, जैसे आपको स्टिग्मा डी एस डी एस वाई स्टैंडर्डेशन सॉल्व करके दिए हुए हैं पहले से, तो फिर हमारे लिए ये वाला फॉर्मूला ईजी रहेगा। यदि कोई क्वेश्चन में कोवेरियंस की सूचना है तो फिर हमारे लिए ये वाला फॉर्मूला ईजी रहेगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने लिया है इसमें आपको एक्स और वाई दोनों सीरीज दे रखी हैं तो फॉर्मूला इसमें हमारा ईजी रहेगा। पहले यहाँ पे अपने x और y लिख लेते हैं। तो x हमें यहाँ पे दे रखा है 10, 12, 15, 18, 25, 35, 45, 50, 55 एंड 65। थोड़ा गैप देके हम y निकालेंगे क्योंकि हमें कुछ वैल्यूज़ भी निकालनी है, तो इतना गैप देके फिर हम लिखेंगे y की वैल्यूज़। y की वैल्यूज़ है हमारी यहाँ पर 5, 7, 13, 15, 20, 21, 29, 30, 36 एंड 44। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जितनी वैल्यूज़ हमें x में दे रखी होंगी उतनी ही वैल्यूज़ आपको हमेशा y की गिवन होगी, यानी दोनों के नंबर ऑफ आइटम्स हमेशा आपके सेम होंगे जब भी आपको कोरिलेशन निकालना हो। तो यदि आपको सॉल्व करना है शॉर्टकट मेथड से कॉल पियर्सन मेथड से, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा r का हमारा सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा डी स्क्वायर वाई। यहाँ पर हमारा डी एक्स का मतलब है कि आपने एक्स में से एक्स बार लेस किया हुआ है, और यहाँ पे डी वाई का मतलब है कि आपने वाई में से वाई बार लेस किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना है एक्स बार और वाई बार। तो एक्स बार का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स अपॉन एन, और y बार का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा सिग्मा y अपॉन n। तो पहले हम x का टोटल करेंगे, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करेंगे, y का टोटल करेंगे, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करके हम x बार और y बार निकाल लेंगे। तो हम टोटल कर देते हैं, ये निकल जाएगा हमारा सिग्मा x, ये निकल जाएगा सिग्मा y। तो यहाँ पे सिग्मा x हम जोड़ेंगे तो हमारा आ रहा है 330, और सिग्मा y हमारा आ रहा है यहाँ पे 220। तो फॉर्मूला निकाल लें अपन x बार का।
एक्स बार यहाँ पे आइटम्स हैं हमारे 10 आइटम्स हैं, तो यहाँ पे एन दे रखा है हमारा 10, तो ये हमारा हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाई 10, यानी एक्स बार आपका आ रहा है 33, ये निकल जाएगा 220 अपॉन 10, यानी वाई बार आ रहा है हमारा 22। तो यहाँ पे एक्स में से हमको लेस करना है 33 को और वाई में से हमें लेस करना है 22 को, तो हमारा डी एक्स और डी वाई निकल जाएगा। तो हम लेस कर देते हैं, तो नेक्स्ट निकाल लेते हैं यहाँ पे डी एक्स जो निकलेगा एक्स माइनस 33 से, यानी एक्स माइनस एक्स बार से। ऐसे आप यहाँ निकालेंगे वाई माइनस 22, यानी वाई माइनस वाई बार से निकल जाएगा हमारा यहाँ पे डी वाई। तो हम लेस करेंगे 33 से, हमारा आ जाएगा माइनस 23, माइनस 21, माइनस 18, माइनस 15, माइनस 8, ये बड़ी वैल्यूज़ है तो ये प्लस में आ जाएगी, प्लस 2, प्लस 12, प्लस 17, प्लस 22, प्लस 32। ऐसे यहाँ पे लेस करेंगे 22 तो अपना आ जाएगा माइनस 17, माइनस 15, माइनस 9, माइनस 7, माइनस 2, माइनस 1, ये वैल्यू बड़ी है तो प्लस में आ जाएगा हमारा 7, 8, 14 एंड 22। इसका टोटल हमारा कहलाएगा, ये टोटल हमारा चूँकि हमने डिविशन्स यहाँ पे लिए हैं एक्स बार से और वाई बार से, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये चेक कर लेना, ये जो सिग्मा डी एक्स है ये हमारा ज़ीरो ही आएगा, ऐसे सिग्मा डी वाई भी हमारा ज़ीरो ही आना चाहिए। यदि ज़ीरो नहीं आ रहा है, इट मीन्स या तो हमने एक्स बार वाई बार निकालने में गलती कर दी है, या फिर हमने उसको लेस करते समय कोई गलती कर दी है, या हमने कोई चिन्हों की मिस्टेक कर दी है। तो ध्यान रखना है कि जब भी आपने एक्स में से एक्स बार को घटाया हुआ है तो सिग्मा डी एक्स आपका हमेशा ज़ीरो आएगा। अब हम निकालेंगे इसके अंदर डी स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 529, 441, 324, 225, 64, 4। ये तो आपको ध्यान होगा कि जब स्क्वायर करते हैं तो हम चूंकि माइनस 8 को माइनस 8 से इंटू कर रहे हैं तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये तो आपको ध्यान होगा कि स्क्वायर में सारे चिन्ह आपके प्लस के ही आते हैं, क्योंकि माइनस को माइनस से इंटू करने पर प्लस ही आता है। तो यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना गलती से जल्दबाजी में कि आप इंटू करते समय माइनस को माइनस दिखा दें, प्लस को प्लस दिखा दें। स्क्वायर में सारी वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव आती हैं, 289, 484 और 1024। इसका जो टोटल है हमारा ये कहलाएगा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर एक्स हमारा आ रहा है 3528। तो ये जगह कम है इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। ऐसे हम निकाल देंगे y का स्क्वायर कर देंगे तो ये निकल जाएगा डी स्क्वायर y, ये निकल जाएगा हमारा 289, 225, 81, 49, 4, 1, 49, 64, 196 एंड 484। इसका जो टोटल है हमारा कहलाएगा सिग्मा डी स्क्वायर वाई। तो सिग्मा डी स्क्वायर वाई हमारा रहा है 1442। मैं यहाँ तक का प्रोसेस वापस रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हम सिग्मा एक्स अपॉन एन से सिग्मा एक्स को जोड़ेंगे, टोटल निकालेंगे सिग्मा एक्स आ जाएगा। सिग्मा एक्स में नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड किया तो हमारा एक्स बार आ गया है 33। सेम ऐसे हम सिग्मा वाई का टोटल करेंगे, सिग्मा वाई को डिवाइड करेंगे एन से, हमारा निकल जाएगा वाई बार 22। एक्स में से 33 लेस करेंगे तो डी एक्स निकलेगा, वाई में से 22 लेस करेंगे तो हमारा डी वाई निकलेगा। तो यहाँ पर हमारा डी एक्स और डी वाई आ गया। डी एक्स का टोटल और डी वाई का टोटल हमेशा आपका ज़ीरो ही आना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। इसका स्क्वायर कर देंगे डी स्क्वायर एक्स और डी स्क्वायर वाई। फॉर्मूले के लिए हमको एक और चीज़ और चाहिए, डी एक्स डी वाई। अब यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें डी एक्स यानी इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है डी वाई यानी इस वाली वैल्यू से, जैसे माइनस 23 इंटू माइनस 17, ये जो इंटू करेंगे वो डी एक्स अपना माइनस 23 है, डी वाई माइनस 17 है। यहाँ पे चिन्हों का ध्यान रखना है, दोनों माइनस के चिन्ह हैं तो प्लस का आएगा, दोनों प्लस के चिन्ह हैं तो प्लस का आएगा। यदि कोई एक वैल्यू हमारी पॉजिटिव और एक वैल्यू हमारी नेगेटिव है तो फिर चिन्ह हमारा माइनस का आएगा, ये ध्यान रखना है डी एक्स डी वाई निकालते समय। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, स्क्वायर की सारी वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव आती हैं क्योंकि माइनस माइनस को इंटू कर रहे होते हैं, लेकिन डी एक्स डी वाई में हो सकता है कोई एक वैल्यू हमारी डी एक्स की या डी वाई की पॉजिटिव हो, दूसरे की नेगेटिव हो, तो वहाँ पे इंटू करते समय ध्यान रखना है कि वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी,
यदि वहाँ पे चिन्हों की गलती आपने कर दी है तो आपका टोटल मिस्टेक हो जाएगी, तो आपका पूरा क्वेश्चन आगे का फर्दर सॉल्यूशन जो होगा पूरा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ आपको चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट वैल्यू है -23 × -17, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 391। ऐसे -21 × -15, ये भी हमारा प्लस का आ जाएगा। -18 × -9, ये भी हमारा प्लस का आ जाएगा। -15 × -7, ये भी हमारा प्लस का आ जाएगा। -8 × -2, ये भी हमारा प्लस का आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है हमारी 2 × -1, अब यहाँ पे ये वैल्यू जो है हमारी वो पॉजिटिव है, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव है, तो यहाँ जब इंटू करेंगे तो ये माइनस का 2 आएगा। ऐसे आपको चिन्हों का ध्यान रखना है। ऐसे 12 × 7, ये हमारे दोनों पॉजिटिव हैं। 17 और 8, ये भी हमारी दोनों पॉजिटिव हैं। 22 और 36, ये भी हमारी दोनों पॉजिटिव हैं। 32 और 44, ये भी दोनों पॉजिटिव है हमारी। इनका जो टोटल है वो हमारा हो जाएगा σdxdy। ये हमारा आ रहा है पॉजिटिव में 2219। ध्यान रखना है इसमें बाकी सब वैल्यूज प्लस होंगी, ये वैल्यू हमारी माइनस होंगी। बाकी सब वैल्यूज प्लस होंगी, यहाँ पे 2 जो होगा हमारा माइनस होगा, तो टोटल हमारा आना चाहिए 2219। तो फार्मूले में एक तो हमें ये काम में लेना है, एक हमें ये काम में लेना है, और एक हमें ये काम में लेना है। फार्मूला था हमारा यहाँ पे आर निकालने का, σdxdy जो हमारा आ रहा है यहाँ पे 2219 अंडर रूट σd²x हमारा आ रहा था 3528 इंटू σd²y हमारा आ रहा था 1442। इस फॉर्मूले को हम सॉल्व कर लेंगे। पहले हम 3528 इंटू 1442 को इंटू करेंगे, फिर रूट निकाल लेंगे। यदि आपके कैलकुलेटर में कभी इस वैल्यू को इंटू करने पर वैल्यू शो नहीं करती है, इतनी डिजिट्स आपके नहीं आती हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूले को। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 2219 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3528। पहले इसका अंडर रूट निकाल लो, उसके बाद आप 1442 का अंडर रूट निकाल लो। दोनों का अंडर रूट अलग अलग निकाल के भी हम इंटू कर सकते हैं, यानी हम इंटू करके भी अंडर रूट निकाल सकते हैं, और चाहे तो दोनों का अलग अलग अंडर रूट निकाल के भी उसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है +0.98। प्लस है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, हाई डिग्री क्योंकि 0.75 से ज़्यादा है, और परफेक्ट नहीं है क्योंकि परफेक्ट हमारा 1 पर होता है, हाई डिग्री कोरिलेशन। ऐसे सबसे लास्ट में आपको हमेशा एक लाइन में कमेंट जरूर डालना है इसके अंदर कि आपका आंसर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और किस डिग्री का है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा पॉजिटिव हाई डिग्री कोरिलेशन।